धन्यवाद हो ना श्री, स्तुति हो, महिमा प्रशंसा करते हैं खुदा खुदा मन यीशु, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, उद्धार करता प्रभु, चट्टान ढाल, किला गढ़े, रक्षक सहायक, मेरा शरण स्थान, हाँ नासरी, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो, प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह। आइए प्रभु से प्रेयर करें, प्रभु फिर आनंद में दिन के साथ आनंद में रात्रि भी हमें दिया है, सुंदर शाम के साथ है, सॉरी सुंदर सुबह के साथ सुंदर शाम भी हमें दिखाया है, सुंदर भोर के साथ सुंदर संध्या काल भी हमें दिखाया है। मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? प्रभु को धन्यवाद देना है, जो प्रभु हमें दिया है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना है, सुबह से लेकर शाम तक समाना, आनंद में दिन के साथ आनंद में रात्रि दिया, हमें क्या करना है? प्रभु को धन्यवाद देना है, उसकी स्तुति करना है, उसकी महिमा प्रशंसा करना है, ताकि पूरे रात अच्छे से सोए और फिर एक और नए दिन को देखें, एक और नए सुबह को, भोर को, सुख के सवेरा को देखें। हालेलुया, और वो दिन हमारे लिए आशीष का हो, हजारों गुना खुशी हमारे जीवन में लेकर आए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मेरे प्रिय, प्रभु को धन्यवाद दीजिए इस बात के लिए कि पूरे दिन प्रभु आपको संभाला और रात्रि भी आपको दिया है। मेरे प्रियो, अपने भी विश्वास को प्रभु के ऊपर अटल बनाए रखना है। हो सकता है आज के दिन में आपका कोई काम, कोई कार्य सफल ना हुआ हो, आप जो मांगे हैं आपको ना मिला हो, लेकिन मेरे प्रियो, निराश नहीं होना है, अपने विश्वास को प्रभु के ऊपर अटल बनाए रखना है, आप लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। लिखा है रोमियो 9 अध्याय के उसका 33 में कि जो उस पर यानी कि प्रभु पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। क्या लिखा है? जो प्रभु पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। कैसा विश्वास? अटल विश्वास। हालेलुया, प्रभु हमारे विषय में जो युक्तियाँ करता है वो हमारी हानि की नहीं, लाभ की होता है, फायदा की होता है। अपने विश्वास को प्रभु के ऊपर अटल बनाए रखेंगे, चाहे परिस्थिति हालात है जैसा भी हो, प्रभु पर भरोसा रखेंगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ भी जाता है तो बन जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। लिखा है ना, धर्मी लोग चाहे 7 बार गिरे उठकर खड़े हो जाएंगे, पापी लोग 1 बार गिरेंगे उसी में पड़े रहेंगे, निकलेंगे नहीं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हम प्रभु की सुनते और मानते हैं, वही करते हैं जो उसके दृष्टि में सही है, वैसा ही अपने जीवन को बिताते हैं जैसा वो चाहता है, तो हम धर्मी हैं। धर्मी कोई और नहीं, हम धर्मी हैं और हम सारे कठिनाइयों से पार हो जाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। राजा दाऊद बोलता है, जब आप पे भजन संहिता की पुस्तक 23 अध्याय के उसका 4 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें राजा दाऊद बोलता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहता है। क्या लिखता है?
परमेश्वर मेरे साथ रहता है, उसका विश्वास है कि परमेश्वर उसके साथ रहता है। और जब विश्वास है तो हम अभी वचन को पढ़ें, रोमियो 9:33 क्या पढ़ें, क्या लिखा है इसमें कि जो विश्वास करते हैं वो लज्जित ना होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो गिरेगा नहीं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, उसका कुछ हानि नहीं होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु पर आपका विश्वास है, अटल भरोसा है, आगे बढ़िए, डरना नहीं है, सारे कठिनाइयों से पार हो जाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो आज नहीं हुआ कल होगा, निराश नहीं होना है। जो काम कार्य आज सफल नहीं हुआ, प्रभु बहुत जल्द, हाँ प्रभु बहुत जल्द सफल करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो लॉर्ड जीसस। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, निराशा को आशा में बदल दीजिए प्रभु। प्रभु जी, जिस जिस भाई बहनों का कोई काम कोई कार्य आज के दिन में सफल नहीं हो पाया, उनके कामों को कार्यों को प्रभु बहुत जल्द सफल कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु से। जिनके प्रार्थना का उत्तर आज के दिन में नहीं मिल पाया, प्रभु से बहुत जल्द वो अपनी प्रार्थना का उत्तर आपकी ओर से हाँ आमीन में पाने पाए। अनुग्रह कीजिए खुदा, दया कीजिए प्रभु, मेरे प्रिय प्रभु आपकी सुनता है, भरोसा रखिए। कभी वो हमारे विश्वास को, भरोसा को, आशा को क्या करता है, परखता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, हम अटल बने रहेंगे प्रभु में, विश्वास के साथ, भरोसा आशा के साथ दृढ़ बने रहेंगे। प्रभु जरूर उत्तर देगा, जरूर हमारे जीवन में विशेष देगा, बेस्ट करेगा, अद्भुत अनोखा का अनोखा करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु, आपकी स्तुति हो। मेरे प्रियो, घबराना नहीं है, छोटी छोटी समस्याओं से, रुकावटों से घबराना नहीं है, प्रभु पर भरोसा रखना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु मार्ग खोलेगा, घबरा जाएंगे कुछ नहीं होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, घबराना नहीं है, प्रभु मार्ग खोलेगा। धन्यवाद हो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो लॉर्ड जीसस। अनुग्रह कीजिए प्रभु से, दया कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु, दया कीजिए लॉर्ड जीसस, सहायता कीजिए प्रभु से, मदद कीजिए। अनुग्रहकारी खुदा, धन्यवाद करते हैं दयालु कृपयालु खुदा, धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। तराश खाने वाले, सूदी लेने वाले अनुग्रह कीजिए प्रभु, तक करुणा करने वाले अनुग्रह कीजिए। स्तुति हो प्रभु जी, पूरे दिन संभाले, पूरे रात भी संभालिए। जो डिप्रेशन में है उनको डिप्रेशन में से बाहर निकालिए। जो चिंतित है प्रभु जी, चिंता को दूर कीजिए। घबराए हुए हैं उनके अंदर से घबराहट को निकाल दीजिए। जिनका मन व्याकुल हो रहा है, व्याकुलता को खत्म कर। जिनके अंदर बेचैनियाँ हैं खत्म कर, किसी प्रकार का डर है खत्म कर, भय है, हताश है खत्म कर। जीवन दे लॉर्ड जीसस, हाँ जीवन दे, बहुत आयत का जीवन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, हमेशा का जीवन। हमेशा का जीवन कैसे पाएंगे, जब विश्वास के साथ प्रभु में धीरज धारे रहेंगे। कब तक, शुरू से अंत तक। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, तो बहुत आयत का जीवन पाएंगे, यानी कि अनंत जीवन, हमेशा का जीवन पाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो लॉर्ड जीसस, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। कमेंट के माध्यम से
या फेसबुक पेज पर जो कोई अपना प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय हमें दिए हैं, दृष्टि कीजिए प्रभु से और उत्तर दीजिए, जवाब दीजिए लॉर्ड जीसस, ताकि प्रभु जी सबके सब आनंद से भर जाए, हर्ष से, उमंग से भर जाए, खुशियों से भर जाए और आपकी महिमा करें, आपकी तारीफ करें, सारे प्रॉब्लम को खत्म कीजिए, समस्याओं को, दिक्कत परेशानी को खत्म कीजिए, दुख दर्द पीड़ा को रोग बीमारी को, कर्जों को खत्म कीजिए प्रभु जी, बाधा रुकावट से छुटकारा दीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो प्रभु जी, आपकी बड़ाई हो प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, अस्तुति हो राजा, अस्तुति हो प्रभु, धन्यवाद करते, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, महिमा प्रशंसा करते हैं खुदा जी, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, महिमा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो, आदर हो प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, अच्छी मीठी नींद दे सबों को, दीजिए सुख शांति चैन की नींद, सुकून भरी नींद, इस प्रार्थना को, हाँ प्रभु यीशु मसीह, इस प्रार्थना को जितने लोग रिसीव किए हैं, हाँ जितने जन प्रभु जी इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं, जब वो लोग, जब वो जन या उन लोगों के परिवार का सदस्य बिछौने में सोने जाए तो पूरे रात निश्चित सोने पाए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, किसी को किसी प्रकार की रोग बीमारी उत्पन्न ना हो, किसी को प्रभु जी डर भय की आत्मा ना सताए, शैतान ना छुए, दुष्ट गुरु मनुष्य ना छुए, अनुग्रह की से विपत्तियों से बचाना, दुखों से बचाना प्रभु जी, अच्छी मीठी नींद दे सबों को दीजिए, सुख शांति चैन की नींद दे सबों को दीजिए प्रभु जी, सबों को अपने पन्नाह में रखिए प्रभु, छत्र छाया में रखिए ताकि सब स्वस्थ रहे, चंगा भला रहे स्वर्गीय पिता, कुशल रहे एक और नए दिन को, हाँ प्रभु यीशु मसीह, एक और नए दिन को देख सके, अनुग्रह की से, ब्लेस की से, आपकी स्तुति हो प्रभु, प्रभु जी किसी को डरावना बुरा सपना न आए, अनुग्रह करना खुदा, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, अनुग्रह की इसे जो नींद की दवा लेते हैं, बिना दवा की अच्छी मीठी नींद इसे मेरे प्रिय हो, दवा पर से अपने विश्वास को हटाइए, सोने से पहले प्रार्थना कीजिए, वचन को पढ़िए, आपको खुद बहुत नींद आएगा और पूरी रात अच्छे से सोएंगे, बिना दावा के आप अच्छे से सोएंगे, हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, दावा को छोड़ना है, आदत क्या करने के लिए लगाना है, प्रार्थना करने के लिए, हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, दावा को लेने के लिए नहीं, हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना से सब संभव है, नामुमकिन से भी नामुमकिन, असंभव से भी असंभव, कठिन मुश्किल से भी कठिन मुश्किल आसान में बदल जाता है, मुमकिन में संभव में बदल जाता है प्रार्थना के द्वारा, हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, प्रार्थना कीजिए, वचन को पढ़िए, फिर सोइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा, बहुत लोग चिंता की वजह से सो नहीं पाते हैं, बहुत से बातों को लेकर के सोचते हैं, चिंता करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोचना नहीं है,
प्रार्थना कीजिए, फालतू सोच से प्रभु आपको छुटकारा देगा। चिंता कुछ बदलने वाला नहीं है, प्रार्थना और प्रभु पर किया हुआ भरोसा सब कुछ बदल करके, चेंज करके रख देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। लोटे जी से सहायता कीजिए, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, महिमा हो प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। अनुग्रहकारी खुदा धन्यवाद करते हैं, दयालु कृपयालु खुदा धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु परमेश्वर। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, मेरे प्रिय प्रार्थना कीजिए। आपकी परिस्थिति हालात ठीक नहीं है, आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना के द्वारा सब कुछ सही हो जाएगा। एक प्रार्थना ही तो है जो हम प्रभु की ओर से बेस्ट और विशेष पा सकते हैं, अपने जीवन की परिस्थिति हालातों को ठीक कर सकते हैं। प्रभु के निकट रह करके, प्रभु के राज के अधिकारी होकर प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, प्रार्थना और वचन ही है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। ज़्यादा मन क्या चीज़ में लगाना है, प्रार्थना में, वचन में। लिखा है ना, चिंता मत करो, प्रभु के राज और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सब कुछ चिंता कौन करते हैं, लिखा है कि जो आन जाती है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यानी कि जो प्रभु से दूर है, अलग है, वो चिंता करते हैं, जो प्रभु के निकट है, प्रभु के करीब है, वो चिंता नहीं करते हैं। प्रभु कहते हैं देखो आकाश के पंछियों को देखो, ये ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना अपने खतों में बटोरते हैं, पर फिर भी स्वर्गीय पिता इन्हें खिलाता है। क्या तुम पंछियों से अधिक प्रभु की दृष्टि में मूल्यवान नहीं हो, अनमोल नहीं हो? अगर वो पंछियों को खिला सकता है, उनका आहार उनको समय पर दे सकता है, तो तुम्हें क्यों नहीं कहता है? हाँ, प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, उस पर ध्यान दो जो आज है और कल भाड़ में झोंक दिया जाएगा। फिर भी परमेश्वर उसको क्या करते हैं, सुंदर वस्त्र, ऐसा वस्त्र पहनाता है कि राजा सुलेमान भी अपने वैभव में नहीं पहना होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर वो तुम्हें क्यों ना पहनाएगा? हालेलुया, प्रभु की स्तुति मेरे प्रियो। खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए चिंता नहीं करना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रभु पर भरोसा रखिए, आगे बढ़िए, निराश नहीं होना है, प्रार्थना कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु परमेश्वर, महिमा प्रशंसा करते हैं खुदा जी, सहायता कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु, दया कृपा प्रभुता कर दीजिए, संभालिए प्रभु जी, देखभाल कीजिए, हर एक का ख्याल रखिए। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं और कहते हैं उद्धारकर्ता प्रभु, हाँ कहते हैं उद्धारकर्ता प्रभु, आमीन 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 प्रभु यीशु मसीह।